नमस्कार दोस्तों, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है जब आप शब्द लत या एडिक्शन सुनते हैं? एक शराबी, एक जुआरी, कोई सोशल मीडिया एडिक्ट या कोई खाने का शौकीन? हमारे समाज को किसी के लत की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारा वर्तमान और हमारा इतिहास ऐसे लोगों के कारनामों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में राजा युधिष्ठिर ने जुए के लत की वजह से न केवल अपना राजपाट गंवाया, साथ ही अपने भाइयों और पत्नी तक को जुए में दांव पर लगा दिया। अभी के दौर की बात करें तो सन 2007 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने 127 मिलियन डॉलर्स मतलब 9 अरब 60 करोड़ रुपए जुए में उड़ा दिए। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर या राजे महाराजे ही लत की वजह से पैसा उड़ाते हैं। आए दिन न्यूज में आता रहता है कि कैसे लोग अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को शराब, जुआ एवं ऑनलाइन गेम्स पर उड़ा देते हैं। कई बार तो लोग सारी हदें पार कर जाते हैं, जैसे कि ताइवान में एक युवक लगातार 3 दिनों तक कंप्यूटर गेम खेलने के बाद मर गया। इसी तरह की घटनाएं हमें सारी दुनिया से सुनाई देती हैं। आखिर लोगों के लिए अपने लत को रोक पाना इतना मुश्किल क्यों है? ये जानते हुए भी कि किसी भी तरह की लत हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्यों हम अपनी भलाई अपने स्वास्थ्य के खिलाफ चले जाते हैं? क्या ऐसे लोगों में इच्छा शक्ति की कोई कमी होती है, या इनमें सही बनाम गलत के बीच निर्णय करने की शक्ति खत्म हो गई है? आप सबके जान पहचान में कोई ना कोई होगा जो सिगरेट या शराब को छोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या है कि ये समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं? ऐसे हालात में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम समझे कि एडिक्शन आखिर होता क्या है और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। एडिक्शन या लत एक मानसिक बीमारी है जिसमें एक इंसान नहीं चाहते हुए भी ऐसे काम करता है जो उसके लिए बुरा होता है। लत हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को प्रभावित करता है। रिवॉर्ड सिस्टम दिमाग के बीचों बीच होता है। यह हमारे दिमाग के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। यह तय करता है कि दुनिया में कौन सी वस्तु या कौन सा काम हमें खुशियां देंगी। यह ये भी तय करता है कि हमारी याददाश्त में कौन कौन सी यादें जमा होंगी। यह सिस्टम हमारे दिमाग में कोई घटना या वस्तु का हमारी भावनाओं के साथ संबंध या कनेक्शन पैदा करता है, और यह ये भी तय करता है कि हमें कौन सा काम जोश देता है। एक इंसान जब कोई ऐसी हरकत करता है जिससे वो आनंदित होता है तो दिमाग एक रसायन जिसे डोपामाइन कहते हैं छोड़ता है, और हमारा रिवॉर्ड सिस्टम इस अनुभव को हमारे दिमाग में जमा कर देता है जिसकी वजह से वो इंसान उस काम को फिर से करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको आइसक्रीम का कोई फ्लेवर पहली बार में अच्छा लगता है तो आप उसी फ्लेवर वाले आइसक्रीम को दोबारा खाना चाहते हैं, और वहीं अगर आप उसे बार बार खाएंगे तो आपके मन में प्रति उसकी चाहत कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे हरकत के प्रति विरोध पैदा करने लग जाता है। इस वजह से हमें उस काम में आनंद मिलना कम हो जाता है और हम उस क्रिया को करना कम कर देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस काम को करने के बजाय बढ़ा देते हैं। मसलन, अगर कोई शराब पीता है तो कुछ दिनों के बाद पहले जैसे नशे के लिए उसे ज्यादा शराब पीना पड़ता है। बहुत सारे अल्कोहलिक्स ये मानते हैं कि उन्हें शराब पीने की तुलना में आज वो पियेंगे, आज उन्हें पीने को मिलेगा जैसी आशा या पॉसिबिलिटी में ज्यादा मजा आता है। और ऐसा लगभग हर एडिक्शन में होता है जिनमें लोगों को आशा या संभावना असली से ज्यादा मजा देता है, और इस वजह से कई लोग जिन्हें पता है कि ऐसी हरकतें उनके लिए सही नहीं है फिर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। हमारे रिवार्ड सिस्टम में चाहत और पसंद अलग अलग जगहों से नियंत्रित होता है। अधिकतर लोगों को चाहत या पसंद एक ही चीज लगती है, और ज्यादातर मामलों में अगर हम कुछ चाहते हैं तो उसे पसंद भी करते हैं। पर जिनको लत लग जाती है उनकी चाहत उनके पसंद पर भारी पड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर, एक इंसान को हमेशा पता होता है कि जुआ खेलना एक खराब आदत है, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाता और जुआ खेलने के बाद काफी अफसोस भी करता है। हमारी चाहत अथवा वांटिंग सिस्टम डोपामाइन से काफी नियंत्रित होता है। यह वही रसायन है जो कि हमारी खुशियां, याददाश्त, भावनाओं और लर्निंग को नियंत्रित करता है। अगर कोई पहली बार ऑनलाइन गेम खेलता है और उसे अच्छा लगता है तो डोपामाइन इस घटना को उसके याददाश्त, भावनाओं, लर्निंग और खुशियों के साथ जोड़ देता है। भले ही उसे पता रहे कि ज्यादा गेम खेलना उसके लिए अच्छा नहीं है, पर उसकी गेम खेलने की चाहत उसे अपनी पढ़ाई छोड़ गेम खेलने पर मजबूर कर देती है। और डोपामाइन के कारण जब भी वो व्यक्ति या छात्र ऐसी कोई भी चीज देखता है जो उसे उस ऑनलाइन गेम की याद दिलाता है, तो
तो उसे तुरंत वो गेम खेलने का मन करता है। यही बात शराबियों और जुआरियों पर भी लागू होती है। डोपामाइन की वजह से ऐसे लोगों की भावनाएं अपने एडिक्शन को पाने के लिए काफी तीव्र हो जाती हैं। काफी लोग एक ही तरह के परिवेश में रहते हैं, पर एडिक्शन कुछ लोगों को ही होता है। मसलन आजकल लगभग सभी के पास स्मार्टफोन है, लेकिन सारे के सारे दिन भर फोन पर बैठे नहीं रहते। बहुतों के पास इतना पैसा है कि वो जो चाहे खा सके या पी सके, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों के माने तो लगने में कुछ परिस्थितियां और कुछ माहौल भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। पहला है जेनेटिक्स। कुछ लोगों का जेनेटिक्स ऐसा होता है कि उनके दिमाग में चाहत या वांटिंग का संकेत बहुत तीव्र होता है। ऐसे लोग अगर लत लगने वाली हरकत करें तो उनको लत लगने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है हमारा परिवेश। बहुत सारे लोग बहुत ही खराब हालात में रहते हैं, जैसे कई बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, कई लोगों के घर पर नशेड़ी या जुआरी होते हैं। छोटे उम्र से ही ऐसे परिवेश में रहने से किसी भी चीज की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है उम्र। कम उम्र के लोगों में लत का शिकार होने की आशंका ज्यादा होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बुजुर्गों को लत नहीं लगती है। चौथा है मानसिक परिस्थिति। अगर किसी की मानसिक स्थिति अच्छी ना हो तो भी वो अकेलापन या निराशा का शिकार होकर एडिक्ट हो सकता है। लोगों को बहुत लंबे समय तक ऐसा लगता था कि एडिक्शन की वजह आत्मबल का अभाव होना है। जब हमें ये पता चल गया है कि ऐसा क्यों होता है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें लत के शिकार लोगों से सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। उनको अगर ये एहसास हो जाएगा कि समाज और उनके परिजन ये जानने पर भी कि उनको एडिक्शन है, उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे, उन्हें नहीं छोड़ेंगे, तो उनके लिए स्वीकार करना आसान हो जाएगा कि उन्हें लत लगी हुई है, जो केवल विल पावर से अच्छा नहीं हो सकता है। और दूसरा कदम होगा ऐसे लोगों को एक अच्छे रिहैब या नशा मुक्ति केंद्र में ले जाना तथा उनकी जांच करवाना, जो कि उनके एडिक्शन पर निर्भर करेगा। ज्यादातर लोगों में एडिक्शन सामाजिक बंधन या ऐसा कह लीजिए कि सोशल बॉन्डिंग के अभाव में होता है। हमारे समाज को ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि शायद कुछ ऐसे कारण जो उनके नियंत्रण में नहीं थे की वजह से वो एडिक्ट बन गए। हमारा कर्तव्य है उनको आशा देना, उनको एक लक्ष्य देना जिसके लिए वो हर सुबह उठना चाहे। हमें उनको बेकार या रद्दी नहीं महसूस होना देना चाहिए। हमको ना केवल उनकी मदद करनी चाहिए पर उनको एक अच्छा सामाजिक जीवन देने की भी कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो इस गत से निकल सके। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।